बात होती है स्पेस से, जहां एक स्पेस शटल आउट ऑफ कंट्रोल होकर धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और थोड़ी ही देर बाद वो स्पेस शटल क्रैश हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि चार एलियंस उस स्पेस शटल से लाए जा रहे थे, जिसमें से एक वहां से गायब है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन लोगों के अंदर घुसकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। अब आगे हम सीधा पहुंच जाते हैं सैन फ्रांसिस्को शहर में, जहां एडी अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ रहता है, जहां एडी एक जर्नलिस्ट है और एनी लाइफ फाउंडेशन नाम की कंपनी के साथ काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी का बॉस उसे कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू करने के लिए कहता है, जो कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी का मालिक है। लेकिन एडी ड्रेक को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो और उसकी कंपनी साइंस के नाम पर गलत गलत एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी एनी का लैपटॉप चेक करता है, जहां उसे ड्रेक की कंपनी के खिलाफ सबूत मिलते हैं। अगले ही दिन एडी ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है, जहां वो ड्रेक से सीधा उसके इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछता है, जो कि वो इंसानों पर कर रहा था, जिसकी वजह से ड्रेक उसका इंटरव्यू वहीं छोड़ देता है और एडी को वहां से जाने को कहता है। अगले ही दिन हमें पता चलता है कि एडी को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और ना सिर्फ एडी को बल्कि एनी की भी नौकरी एडी की वजह से चली जाती है, क्योंकि एडी ने ही उसके लैपटॉप से सबूत चुराए थे। और इसी बात से गुस्सा होकर एनी एडी से अपना रिश्ता तोड़ देती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एलियन एक से दूसरे इंसान में घुसकर पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एडी एक दुकान में जाता है जिसे मिसेस चैन चलाती है, लेकिन तभी वहाँ एक गुंडा आता है जो चैन को गन दिखाकर उनसे हफ्ता वसूली करके वहाँ से चला जाता है और एडी वहाँ खड़ा खड़ा कुछ नहीं कर पाता है। आगे हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने से एडी के पास कोई जॉब नहीं है और हर जगह फोन ट्राई कर रहा है, लेकिन ड्रेक इतना पावरफुल इंसान है कि उसके खिलाफ जाकर कोई भी एडी को जॉब नहीं देना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेक अपनी लैब में उन एलियंस को लेकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कई इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। और ये सब देखकर उस लैब की एक साइंटिस्ट डोरा डर जाती है और ये सब बातें वो एडी को जाकर बताती है, लेकिन एडी उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद एडी एनी से जाकर मिलता है, जहां हम देखते हैं कि एनी अब डैन के साथ रहती है, जो कि एक डॉक्टर है। अब एडी थोड़ा सोच विचार करने के बाद डोरा को फोन मिलाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद डोरा एडी को छुपते छुपाते हुए अपनी लैब में लेकर जाती है, जहां वो उसे बताती है कि ड्रेक ने कुछ टाइम पहले एक रॉकेट स्पेस में भेजा था, जो कि स्पेस से कुछ एलियंस लेकर आया था, जिन्हें वो सिम्बियोट्स बुलाते हैं, और ये एलियंस बिना किसी के शरीर में घुसे इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एडी लैब के अंदर जाकर वहां उन लोगों को देखता है जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और साथ में वो इन सब चीजों की फोटो भी खींच रहा है। तभी उसे वहां मारिया दिखाई देती है, जो कि उसके घर के पास ही रहती थी। मारिया एडी को उसे वहां से बाहर निकलने को कहती है, जिसके बाद एडी उस चैम्बर का दरवाजा तोड़ देता है और तभी मारिया उस पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि एक एलियन मारिया से एडी की बॉडी में चला जाता है। लेकिन अब वहां हर जगह इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद एडी वहां से भागना शुरू कर देता है और अब सारी सिक्योरिटी एडी के पीछे लगी हुई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी के पास सुपर पावर्स आ जाती है और अब एडी जंगल से होता हुआ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और किसी तरह बचते बचाते हुए एडी अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एडी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी एडी को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रेक को सारी बातों का पता चलता है, जिसके बाद वो अपने सिक्योरिटी हेड को उस एलियन को ढूंढने को कहता है। इसके बाद एडी एनी से मिलने जाता है, जहां वो उस ड्रेक की सच्चाई बताता है। लेकिन एडी एकदम से वहां हर चीज को खाना शुरू कर देता है और ये सब देखकर वहां सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डैन एडी को टेस्ट करने के लिए उसका MRI स्कैन करता है, जहां हमें पता चलता है 4 से 6 हज़ार हर्ट्ज तक की साउंड उस एलियन के लिए काफी खतरनाक है। इसके बाद एडी हॉस्पिटल से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं
कि ड्रेक को डोरा के बारे में पता चल जाता है और वो उसे भी अपने एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बना लेता है और अब वो एलियन भी एडी से प्रॉपरली बात करने लगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रेक के सिक्योरिटी गार्ड्स एडी से उस एलियन को लेने उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और अब वो एलियन उन सभी लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और उन सबको एक एक करके धूल चटाना शुरू कर देता है। इसके बाद एडी वहां से बाइक पर निकल जाता है और अब सिक्योरिटी उसका पीछा कर रही है और वो एलियन एडी को उस पर हो रहे अटैक से बचा रहा है। लेकिन एडी की कोशिशों के बाद भी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही वो एडी को ले जाने की कोशिश करते हैं तभी हमें वेनम यानी उस एलियन का असली रूप दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वेनम पुलिस से बचते हुए नदी में कूद जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद एडी वेनम को उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाने को कहता है जहाँ उसके पुराने बॉस का ऑफिस था। जिसके बाद एडी अपने बॉस के लिए अपना फोन वहाँ छोड़ता है जिसमें ड्रेक के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। इसके बाद एडी वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन तभी उसे रोकने वहाँ आर्मी आ जाती है और एडी वेनम बन जाता है। जिसके बाद आर्मी वेनम पर अटैक कर देती है लेकिन वेनम पर आर्मी की एक भी गोली का कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद वेनम भी एक एक करके सबको ढेर करना शुरू कर देता है और आखिर में जब वेनम एक इंसान को खाने ही वाला था तभी हम देखते हैं कि वहाँ एनी आ जाती है और पहली बार वेनम को देखकर वो डर जाती है। तभी वेनम एनी को बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एडी ही है और वो उस एक एलियन से इन्फेक्टेड है। जिसके बाद एनी एडी को डैन के हॉस्पिटल में लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दूसरा एलियन अलग अलग लोगों से होता हुआ एक बच्ची के थ्रू ड्रेक के लैब में पहुंचता है जिसके बाद वो एलियन आखिर में ड्रेक के अंदर घुस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी और एनी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डैन एडी को बताता है कि वो एलियन उसे अंदर से मार रहा है और तभी वेनम डैन पर अटैक कर देता है। लेकिन एनी उसी समय एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है जिसकी तेज साउंड की वजह से वेनम एडी के शरीर से बाहर आ जाता है और वो लोग उस रूम का गेट बंद कर देते हैं जिसकी वजह से अब वेनम उस रूम में बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वेनम एक एसी वेंट के थ्रू उस रूम से बाहर चला जाता है और वेंट से होता हुआ वेनम अब एक कुत्ते में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था कि तभी वहाँ ड्रेक की सिक्योरिटी आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और ये सब होता हुआ वो कुत्ता देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेक एडी से वेनम के बारे में पूछता है जिसका जवाब देते हुए एडी उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वेनम कहाँ है। तभी एडी को पता चलता है कि ड्रेक के अंदर भी वेनम जैसा एक एलियन है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी एडी को जंगल में लेकर आती है ताकि वहीं उसे मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से सिक्योरिटी का एक एक मेंबर वहां से गायब होने लगता है और हमें पता चलता है कि वेनम एनी की बॉडी में घुसकर एडी को बचाने आया था। जिसके बाद वेनम एडी को बताता है ड्रेक के अंदर के एलियन का नाम रायट है जो कि एक बहुत शक्तिशाली एलियन है और वो उस रॉकेट को स्पेस में ले जाकर उसके जैसे लाखों एलियंस को धरती पर लाना चाहता है। वेनम एडी को ये भी बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो धरती पर हर जगह एलियंस ही एलियंस होंगे। इसके बाद वेनम और एडी दोनों रायट को रोकने निकल जाते हैं। वहाँ कंट्रोल रूम में लॉन्च सीक्वेंस को ऑन करके रायट सभी साइंटिस्ट को वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ वेनम और रायट की लड़ाई शुरू हो जाती है और रायट वेनम को पूरी तरह डोमिनेट करना शुरू कर देता है और तभी रायट वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन एडी फिर से वेनम को अपने से जोड़ लेता है और तभी कंट्रोल रूम से एनी लाउड स्पीकर ऑन कर देती है जिसकी वजह से वेनम और रायट दोनों को बहुत तकलीफ होती है और वो अपनी अपनी बॉडी से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद ड्रेक और एडी में फाइट शुरू हो जाती है लेकिन एडी ड्रेक को उस प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही एडी मुड़ के वापस जा रहा होता है कि तभी रायट ड्रेक के साथ जुड़कर उसे पीछे मार देता है। जिसके बाद रायट उस स्पेसशिप के अंदर बैठ जाता है और स्पेसशिप वहां से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां वेनम आकर फिर से एडी से जुड़ जाता है और वेनम
उस स्पेसशिप को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रायट उस आग से जलकर खत्म हो जाता है। और वेनम एडी को उस आग से बचाता हुआ उसके साथ पानी में कूद जाता है, जिसके वजह से एडी इस एक्सीडेंट से बच जाता है। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी एडी के साथ ही है, जहां वो वेनम को बताता है कि वो हमेशा बुरे लोगों पर ही अटैक कर सकता है, ना कि अच्छे लोगों पर। आखिर में फिर से एडी मिसेस चैन की दुकान में जाता है, जहां फिर से वही गुंडा उन्हें लूटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेनम उसे ऐसा डराता है कि वो वहां से भाग जाता है और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो ये थी वेनम फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose.